हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन इतिहास के 3 मार्कर पढ़ने वाले हैं। मैं करीब 5 से 6 वीडियो थी ये आपका मैराथन क्लास की ला चुकी हूँ। ऐसे तो मैं रोज़ ही वीडियो लाती हूँ और रोज़ मैं आपको अभी फ़िलहाल मैं मेंस करा रही हूँ। आफ्टर 5-6 जून मैं आपको प्रीलिम्स की तैयारी भी कराने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं एक ऐसा कोर्स लाने वाली हूँ आपके लिए जिसमें आपको 20,000 प्लस प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव, और उसमें आपका सभी सब्जेक्ट कवर रहेगा। उससे क्या होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे भारत के, तो वो आपको उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। मैं इतना ज़्यादा उसमें हर तरीके का, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन उसमें डालूँगी, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। मेरा ये नोट्स कंप्लीट हो जाए, अभी 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है मेरा। जैसे ये कंप्लीट होता है तो हम वो सीरीज़ भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे भूगोल का नोट्स है, आप ये देख सकते हैं। इसकी प्राइस 850 रुपये है और इसमें आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल विथ मैप मिलेगा। हर क्वेश्चन के साथ मैप है, इस प्रकार से आपको मिलेगा। अगर ये मंगाना चाहते हैं तो आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, आपके घर तक ये कुरियर सहित 850 रुपये का आपको पड़ेगा। और इसमें आपको हर क्वेश्चन के बाद मैप दिया हुआ है, भले वो भूगोल का हो, विश्व भूगोल का हो, जैसे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, या हिमालय का कोई क्वेश्चन है, या हमारे भारत की नदियों का कोई क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार से आपको मैप के लिए बुक्स वगैरह में परेशान होना पड़ता है, यहाँ पे आपको एक बुक में ये सभी मिल जाएगा। तो आप ये बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रिपेयर की गई है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारा मध्यकालीन इतिहास का नोट्स है जिसका बुकिंग स्टार्ट हो गया है, आप कर सकते हैं। बुकिंग अमाउंट 250 रुपीज़ है। आफ्टर दैट जब ये तैयार हो जाएगा तो इसकी जो प्राइस होगी वो 350 रुपीज़ हो जाएगी। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आज मुझे पेमेंट करके आप अपना बुक कर दीजिए, कल या परसों में आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो आपको इसका हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा, जिसकी प्राइस इसकी 530 रुपीज़ है। 530 रुपीज़ में ये आपके घर तक पहुँच जाएगा। अगर आपको सॉफ्ट लेना है तो आपको सॉफ्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी पर टिप्पणी लिखिए। देखिए फ्रेंड, हमको क्या करना है, इसी प्रकार से पॉइंट में लिखना है। 3 नंबर वालों को अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो हमको मार्क्स अच्छा मिलता है, क्योंकि वो जो चेक करने वाले हैं 3 आंसर लाइनें पढ़ेगा और आंसर देखेगा और आपको मार्क्स दे देगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप पॉइंट में ही लिखें। तो मोहम्मद गौरी पर टिप्पणी लिखिए। मोहम्मद गौरी आपने सुना होगा, मोहम्मद गौरी का नाम जिसके तराइन का उन्होंने युद्ध लड़ा था, तराइन का प्रथम युद्ध जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था 1191 में, जिसमें उनकी हार हो गई थी, और 1192 ईस्वी में लड़ा था पृथ्वीराज चौहान से दोबारा से। तो इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था, और मोहम्मद गौरी के जीतने के साथ ही भारत में मुस्लिम जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना हुई थी और मुस्लिमों का राज हमारे बढ़ गया था हमारे देश में। तो इसके हमें 3 पॉइंट क्या लिखना है, सबसे पहले 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना, दूसरा भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना इसी ने करी, तीसरा भारत पर इसने कई बार आक्रमण किए। तो क्या लिखेंगे हम मोहम्मद गौरी में, 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना, भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की, भारत पर इसने कई बार आक्रमण किए। तो ये हमने मोहम्मद गौरी के बारे में लिखा। दूसरा क्वेश्चन है, चचनामा पर टिप्पणी लिखो। चचनामा क्या है, तो इसके भी हम 3 पॉइंट लिखेंगे। चचनामा क्या है, तो चचनामा अली अहमद द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, मतलब चचनामा एक ग्रंथ है। इसको किसने लिखा है, इसको अली अहमद ने लिखा है। इसमें चच राजवंश का इतिहास मिलता है। चचनामा में किसका इतिहास मिलता है, तो चचनामा में चच राजवंश का इतिहास मिलता है। सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी इसमें मिलती है। चचनामा में क्या मिलता है, ये अली अहमद द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसमें चच राजवंश का इतिहास मिलता है, सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, ये जो मेरे मध्यकालीन नोट्स, इसी प्रकार है, आपको यही मिलेगा सेम जो आप पढ़ रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स मेरे आपको मिलेंगे जिसमें आपको 3 मार्कर, 6 मार्कर और 15 मार्कर है। ये जो मेरा नोट्स का रिव्यू है ये आपका 3 मार्कर का है,
बाकी इसमें 6 मार्कर 15 मार्कर पूरे मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न रहेंगे। तो अली अहमद द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसमें चच राजवंश का इतिहास मिलता है और सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। फिरदौसी पर लेख लिखो, फिरदौसी के बारे में 3 पॉइंट। सबसे पहला, ये महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था। दूसरा, फारसी भाषा का शायर था। तीसरा, शाहनामा फारसी ग्रंथ की इसने रचना की। फिरदौसी का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, महमूद गजनवी का ये दरबारी विद्वान था, फारसी भाषा का शायर था, शाहनामा नामक फारसी ग्रंथ इसने लिखा। नेक्स्ट है दिद्दा। दिद्दा का नाम आपने सुना होगा, कश्मीर के लोहार वंश की ये राजकुमारी थी। दिद्दा कौन थी? कश्मीर में इनका नाम बहुत प्रचलित है। इन्होंने बहुत समाज सुधार काम किए हैं, जैसे कि इंदौर में अहिल्याबाई होलकर का नाम है, ऐसे ही कश्मीर में इनका नाम है। मध्यकाल की ये प्रथम महिला शासक थी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत या विश्व भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ऐसे अगर मध्यकालीन का पूछा जाए तो प्रथम महिला शासक दिद्दा थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने कश्मीर पर शासन किया था। तो कश्मीर के लोहार वंश की राजकुमारी थी, मध्यकाल की प्रथम महिला शासक थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने कश्मीर पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना पर टिप्पणी लिखो। तो इबादत खाना की स्थापना हुई थी 1575 में। इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी? 1575 में हुई थी। इबादत खाना किसके द्वारा बनाया गया था? तो इबादत खाना अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर इसका इबादत खाने में धार्मिक चर्चाएं करता था। तो इबादत खाने की स्थापना कब हुई? 1575 में। किसने करवाई इसने की स्थापना? अकबर ने करवाई। अकबर क्या करता था यहाँ पे? सभी धर्मों की चर्चाएं बैठ के करता था कि किस धर्म से कौन सी अच्छी चीज़ ली जाए। नेक्स्ट है चंदेरीका युद्ध। आपने पढ़ा होगा चंदेरीका युद्ध, बाबर के प्रसिद्ध युद्ध जो थे 1526 से 1529 तक। उन युद्धों में एक महत्वपूर्ण युद्ध है ये, हमारे मध्य प्रदेश से संदर्भित है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चंदेरीका युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर व चंदेरी के शासक मैदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ? तो इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। तो आपको पहला पॉइंट लिखना है कि बाबर और चंदेरी राय शासक मैदिनी राय के बीच हुआ, बाबर जीत गया। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको 1528 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में हम क्या लिखेंगे? घाघरा के युद्ध में 3 पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले अफगानों और बाबर के बीच हुआ, मतलब ये युद्ध जो हुआ था घाघरा का, जैसे कि 1526 से मैंने बताया 1529 तक जो युद्ध हुआ था, जैसे पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, इसी प्रकार से ये युद्ध होते गए थे। इन सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। तो घाघरा का युद्ध हुआ था अफगान व बाबर के बीच, कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। और ये क्या है कि उस समय के मध्यकालीन इतिहास का या उस समय के इतिहास में काल में जल थल पर लड़ा जाने वाला पहला युद्ध, या अब ये बोल सकते हो मध्यकाल का पहला युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ाया गया? शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया, और इसमें हुमायूं पराजित हो गया। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ाया गया, और इसमें क्या हुआ? हुमायूं पराजित हो गया। ये कहाँ पे हुआ था? चौसा नामक जगह पे, करमनासा नदी के तट पर यह हुआ था। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ, हुमायूं पराजित हुआ, करमनासा नदी के तट पर यह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है असीरगढ़ किले पर टिप्पणी लिखिए। असीरगढ़ किले पर क्या लिखेंगे? नंबर एक, ये बुरहानपुर में है, हमारे मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो अश्वत्थामा है महाभारत कालीन, वो यहाँ पे रहते हैं। दूसरा, इसको दक्षिण का द्वार कहा जाता है बुरहानपुर को, क्योंकि हमारा जो मैप है इस प्रकार से हमारा मैप है, तो यहाँ पे बुरहानपुर है, तो दक्षिण में है, इसलिए इसको दक्षिण का द्वार कहा जाता है। अकबर ने 1601 में इसको जीता। असीरगढ़ के किले को अकबर ने कब जीता? 1601 में जीता। अकबर ने इसे सोने की, ऐसी मान्यता है कि अकबर ने इस किले को सोने की कुंजी से खोला। तो आप इसको 3 पॉइंट में लिख दीजिएगा कि बुरहानपुर में है, दक्षिण का द्वार कहा जाता है, 1601 में अकबर ने इसको जीता, अकबर ने इसे सोने की कुंजी से खोला। नेक्स्ट है अहमद शाह पर टिप्पणी लिखी। अहमद शाह कौन थे?
1411 में इन्होंने गुजरात में शासन किया, जैसा लिखिएगा 1411 ईस्वी से इन्होंने गुजरात में शासन किया। गुजरात के ये वास्तविक संस्थापक थे, अहमद शाह जो थे वो गुजरात के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने बीदर में महाविद्यालय की स्थापना भी की थी, इन्होंने बीदर में क्या किया था, महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। 1411 ईस्वी में गुजरात में शासन किया, गुजरात का वास्तविक संस्थापक रहा और बीदर में इन्होंने महाविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट आपका बहादुर शाह पर टिप्पणी लिखिए। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से मैंने फ्रेम किया हुआ है थ्री मार्कर क्वेश्चन को, बस आपको उठा के यहीं से याद करके बस एग्ज़ाम में लिखना है और आपको कोई परेशानी नहीं। मैंने पूरा तरह से आंसर क्वेश्चन श्रृंखला के रूप में इन आंसर्स को कवर किया, ऐसे ही मैंने 6 नंबर और 15 नंबर को किया है। तो आप अगर चाहते हैं मेरे हस्तलिखित नोट्स लेना तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पूरा पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं तो पूरा पैकेज में 23 से 24 फाइल रहेंगी, जिसकी प्राइस अभी वर्तमान में 5 तारीख तक 7000 रुपये है। 7000 के साथ आपका 450 रुपीज़ कुरियर चार्ज है, तो आप ये मंगा सकते हैं। साथ ही साथ आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 4400 रुपये है, जिसको आप मुझे पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो बहादुर शाह पर टिप्पणी, बहादुर शाह गुजरात का अंतिम शासक था। 1531 में पुर्तगालियों को इसने पराजित किया, बहादुर शाह ने 1531 में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। 1535 ईस्वी में हुमायूं ने इसको पराजित किया, तो 1531 में इसने पुर्तगालियों को पराजित किया और 1535 में हुमायूं ने इसको पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी पर टिप्पणी लिखिए। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी का जन्म कब हुआ, 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ। इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, 1674 में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में जन्म, मराठा साम्राज्य की स्थापना की, 1674 में छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की। नेक्स्ट अटाला मस्जिद पर टिप्पणी लिखिए। अटाला मस्जिद क्या है, तो अटाला मस्जिद जौनपुर ज़िले में स्थित है। अटाला मस्जिद कहाँ है, अटाला मस्जिद जौनपुर ज़िले में है। इसको जौनपुर की अटाला मस्जिद भी कहा जाता है। इस्लामिक स्थापत्य का ये सुंदर नमूना है, इस्लामिक पद्धति में ये बनी गई है। इसके जो निर्माणकर्ता थे वो इब्राहिम शाह सरकी थे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, तो याद रखिएगा अटाला मस्जिद कहाँ पे है, जौनपुर ज़िले में है। इस्लामिक स्थापत्य कला का ये एक सुंदर नमूना है, इसके निर्माणकर्ता हैं इब्राहिम शाह सरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनालीराम पर टिप्पणी लिखिए। तो तेनालीराम विजयनगर का एक तेलुगु कवि था। तेनालीराम कौन था, विजयनगर का तेलुगु कवि। इनकी रचना थी पांडुरंग महात्म्य। इनकी रचना क्या थी तेनालीराम की, पांडुरंग महात्म्य। कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज में ये शामिल थे। तेनालीराम जो थे वो कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज में शामिल थे। नेक्स्ट है मार्को पोलो पर टिप्पणी लिखो। मार्को पोलो कौन थे, तो मार्को पोलो एक इतालवी यात्री था। इतालवी यात्री मतलब इटली से अपने भारत में भ्रमण के लिए आया था। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मध्यकाल में जितने भी यात्री का आए उनका राजकुमार मार्को पोलो को कहा जाता है। काकतीय वंश की शासिका रुद्र मक्का, इन्होंने अपने ग्रंथ में काकतीय वंश की शासिका थी जो रुद्रम्मा, उसका उल्लेख किया है और इन्होंने भारत में दक्षिण भारत की यात्रा की। तो मार्को पोलो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतालवी यात्री, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, काकतीय वंश की शासिका रुद्रम्मा का उल्लेख किया और दक्षिण भारत की यात्रा की। नेक्स्ट है आपका निकोलो कोंटी कौन था, तो निकोलो कोंटी, इसने विजयनगर की यात्रा की, ये भी एक इतालवी यात्री था। देवराय प्रथम के ये सामने आया है और विजयनगर के बारे में इसने वृतांत वर्णन किया है। तो निकोलो कोंटी कौन था, विजयनगर की यात्रा की, एक इतालवी यात्री था, देवराय प्रथम के समय आया, विजयनगर के बारे में इसने वृतांत वर्णन किया। नेक्स्ट है जजिया कर पर टिप्पणी लिखिए। जजिया कर पे हमको लिखना है, तो जजिया कर क्या है, गैर मुसलमानों से लिया जाता है। जजिया कर क्या है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, इसको मुसलमान नहीं देते हैं। ये मध्यकालीन धार्मिक कर है, हिंदू हुए और दूसरे धर्म के लोग हुए उन पर ये लगाया जाता था। एक धार्मिक कर के रूप में इसको जाना जाता है। ब्राह्मणों, सन्यासियों और बच्चों से इसको नहीं लेते थे। ब्राह्मणों, सन्यासियों और बच्चों से इसको नहीं लिया जाता था।
नेक्स्ट है मीनार उस सिराज। मीनार उस सिराज क्या अभी हमारे प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन था, तो इल्तुतमिश के समय ये भारत आया था। सुल्तान बलवन ने इसको अपना काजी नियुक्त किया। ये एक फारसी इतिहासकार है। इसकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई। तो मीनार उस सिराज कौन है? इल्तुतमिश के समय भारत आया, सुल्तान बलवन ने इसको अपना काजी नियुक्त किया और फारसी इतिहासकार था। उसकी मृत्यु दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्या है? मंडी। मंडी आपने वो बाजार नीति पढ़ी होगी अलाउद्दीन खिलजी का, उसी के नाम से ही आया है। तो मंडी क्या है? अलाउद्दीन द्वारा स्थापित है एक गल्ला बाजार है। इसमें अनाजों का दाम निश्चित कर लिया जाता है। नेक्स्ट है तारीख़-ए-फिरोज़शाही। तारीख़-ए-फिरोज़शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन वर्नी। फारसी भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है। इसमें बलवन से लेके फिरोज शाह तक तुगलक के शासन का वर्णन है। तारीख़-ए-फिरोज़शाही है, भले ही उसमें फिरोज लिखा हो लेकिन उसमें बलवन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक के शासन का वर्णन है। इसके जो लेखक हैं वो जियाउद्दीन वर्नी हैं और फारसी भाषा में पुस्तक लिखी गई है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो आज मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से सभी क्वेश्चन को पॉइंट में लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही और 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर अगर आप मध्यकालीन इतिहास के चाहते हैं तो आप मेरे नोट्स परचेस कर सकते हैं, जिसकी अभी रिसेंटली रेट 250 रुपये है, जो बुकिंग के बाद बढ़ जाएगा। तो आप मुझे पेमेंट करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। और ये मेरा पूरा पैकेज है, इसमें आप देख सकते हैं सभी टॉपिक तैयार हैं 2019 और 2020 के, तो आप ये पैकेज ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको व्हाट्सअप का पेड ग्रुप मिलेगा। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश की 4 फाइलें, ये मध्य प्रदेश स्पेशल का नोट्स है। इसमें आपका मध्य प्रदेश पूरा कवर हो जाएगा और आपको बाहर परेशान नहीं होना पड़ेगा, जो कहीं नहीं मिलता। इस प्रकार से आपको व्हाट्सअप के पेड ग्रुप मिल जाएंगे। इन ग्रुप में आपको नोट्स लेने के बाद जोड़ दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप है, जो जैसे कि 23 वाले रहेंगे तो 23 ग्रुप रहेंगे। वहाँ पर एग्ज़ाम तक आपको अच्छे अच्छे आंसर्स का अपडेट दिया जाता रहेगा। और ये इस प्रकार से आपको पूरी 22 से 23 फाइल आएंगी। इसका मैं वीडियो एक दिन जल्दी ही आपके लिए लेके आती हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।